मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में एक महिला और युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना जिले के लंगाडोल थाना क्षेत्र के साजाबार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक यहां धान खरीदी केंद्र पर शुक्रवार को एक महिला और पुरुष के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद महिला ने युवक की चप्पलों से बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी। 10 से 15 मिनट तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। महिला के अनुसार उसने युवक की पिटाई इसलिए की क्योंकि वो उस पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा था। वहीं इस मामले को लेकर लंगाडोल थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि महिला और युवक दोनों को थाने बुलाया गया है। महिला ने थाने में इसकी जानकारी दी है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी, साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद किस वजह से हुआ। थाना प्रभारी ने कहा कि विवाद का कारण पता लगाने के बाद ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा दोनों को थाने में बुलाया गया है। समिति प्रबंधक सियाराम शाह ने इस मामले में कहा कि महिला साजाबार गांव की रहने वाली है। इसका काम ही यही है कि लोगों को 376 जैसे गंभीर मामले में फंसाकर पैसे की वसूली करती है। ऐसे कई लोगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे चुकी है और उनसे पैसे की वसूली कर चुकी है। इस खेल में थाने की पुलिस भी उसका साथ देती है। कल अचानक आकर मेरे साथ गाली गलौज करने लगी और इसके बाद चप्पलों से प्रहार कर दी। धारा में खा जाए तो